Good morning. Hello and welcome to the Modulation Institute. This is Madhusmita. And आज हम इस क्लास में लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की. लेक्चर नंबर 10 में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कास्ट एंड क्लास की एक डिस्टिंक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या है, उसको हमने पढ़ा था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन एंड मोबिलिटी, विच इज़ द चैप्टर नंबर 5 ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. एट फास्ट लेट अस नो व्हाट इज ऑक्यूपेशन. ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या है. ओके, ऑक्यूपेशन को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ. अगर आप एक हेल्दी एंड डेवलपिंग सोसाइटी में रह रहे हो, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हर किसी इंसान को किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज होना पड़ेगा, एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, राइट नाउ अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी ऑक्यूपेशन होगी टीचिंग. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कि मैं किस एक्टिविटी में एंगेजमेंट हूँ, मैं पढ़ाने में यानी कि टीचिंग में एंगेज्ड हूँ, इसीलिए ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया. ये आई थिंक आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमें पता तो है कि ऑक्यूपेशन क्या है, लेकिन उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ये हमें समझ में नहीं आता. ठीक है, सो लेट अस नो हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन. इन ए हेल्दी एंड डेवलपिंग सोसाइटी, इन ए हेल्दी एंड डेवलपिंग सोसाइटी, इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरी पर्सन और यू कैन राइट एवरी इंडिविजुअल शुड एंगेज इन सम एक्टिविटी. ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्टिविटी एक ही होना चाहिए. ठीक है, देयर कैन बी टू थिंग्स. जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी कहीं पे पढ़ाने जाती हूँ फॉर 3 आवर्स पर डे, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम पे मैं किसी कंपनी के लिए काम करती हूँ या फिर मैं अपना खुद का बिजनेस चलाती हूँ. ठीक है, सो देयर कैन बी टू. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक ही चीज़ को अपना ऑक्यूपेशन बनाएंगे, बट जो हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरे करने के लिए, ठीक है, इट्स लाइक कि जो हम अपनी रेगुलर की नीड है, चाहे हम अपनी फूड हो या फिर अपनी बिल्स पे करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर ऑक्यूपेशन. सो व्हाट विल बी द सेकेंड पॉइंट ऑफ द ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन इज मेनली टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, बेसिक नीड ऑफ पीपल और ऑफ दैट इंडिविजुअल. यहाँ पर हम जिस इंडिविजुअल की बात करें, इस इंडिविजुअल की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हम ऑक्यूपेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. सी देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क. अगर मान लीजिए मैं पार्ट टाइम टीचिंग करती हूँ, बट जो इनकम मैं टीचिंग से कर पाती हूँ वो मेरे लिए क्या है, फुलफिल्ड नहीं है वहाँ से, बट टीचिंग करना मुझे अच्छा लगता है, दिस इज वाई आई टीच. द रीज़न विल बी कॉल्ड दैट इज माई पैशन, वो मुझे पसंद है करना. ठीक है, लेकिन ऑक्यूपेशन बेसिकली वो होता है जहाँ से हम अपनी रेगुलर नीड्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है, एंड ऑक्यूपेशन को डिफरेंट टाइप्स पे क्लासीफाई कर दिया गया है. ठीक है, क्लासीफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, पहली बार जो क्लासीफिकेशन हुआ है वो है अर्ली 1911 अर्ली में जनरल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम की जनरल ने ऑक्यूपेशन को क्लासीफाई किया. अकॉर्डिंग टू हिम ऑक्यूपेशन आर क्लासीफाइड एज, ऑक्यूपेशन को क्लासीफाई कर दिया गया कैसे, एज पर जनरल यूके हिसाब से, यूनाइटेड किंगडम की जनरल के हिसाब से ऑक्यूपेशन को क्लासीफाई किया गया. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट. उन्होंने कहा कैपिटलिस्ट
जो हम पे रूल करते हैं, ठीक है, जिनके नीचे हम रहते हैं, मैं भी द हायर बिजनेसमैन लाइक अंबानीज एंड ऑल दैट, ठीक है. सो कैपिटलिस्ट, डॉक्टर्स, जो हायर प्रोफाइल की या फिर एक काम करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट की मनी वो क्या करते हैं, इनकम करते हैं फ्रॉम देयर वर्क, ठीक है. कैपिटलिस्ट, डॉक्टर, यू कैन ऑल्सो से दैट इंजीनियर्स, ओके, दीज आर वन कैटेगरी. नेक्स्ट इज कॉल्ड, सेकेंड वन इज कॉल्ड शॉपकीपर्स एंड फार्मर्स. शॉपकीपर एंड फार्मर्स, ठीक है. अब शायद आपको समझ में आ रहा है कि जो आपकी फार्मर्स एंड शॉपकीपर्स को एक ही कैटेगरी में रखे जाने के कारण आज दुनिया में लोग शॉपकीपर से मंथली लाखों कमा रहे, बट स्टिल जो उनकी प्रेस्टीज है, ठीक है, समाज में वो उतना ज़्यादा नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर समाज में, देर आर कुछ सोसाइटी ऐसे हैं जहाँ पर आपका शॉपकीपर होना इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसे कई सारे प्लेसेस गई हूँ, जैसे आप अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे जो लोग हैं वो एक घर पे शॉप करके बैठना, चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, वो ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन गोइंग आउट एंड डूइंग ए प्रेस्टिजियस जॉब, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकम ही सब कुछ है, ठीक है. सो दे डोंट केयर, नॉट लाइक ऑल द सोसाइटी, बट कुछ सोसाइटी में अगर आप शॉपकीपर हो, वहाँ पे बैठे हो, बट देयर विल बी नॉट सो मच ऑफ प्रेस्टीज दैट विल बी गिवन टू यू, ओके. एंड फार्मर्स विल बी इन वन कैटेगरी, ओके. उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं, थर्ड कैटेगरी में आएंगे आपका स्किल्ड लेबर. स्किल्ड लेबर मतलब वो वर्कर्स हैं, ठीक है, या फिर वो जॉब होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो हाईली स्किल्ड है, यानी कि आप कह सकते हो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, ओके. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सेमी स्किल्ड लेबर. उसके बाद इट्स सेमी स्किल्ड लेबर, ठीक है. उसके बाद वो लेबर्स आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है बट नॉट दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, ओके. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अनस्किल्ड, जिसको हम कहते हैं फ्रेशर. तो उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपेशन को इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया एज पर देयर इनकम हो सकता है, एज पर देयर प्रेस्टीज हो सकता है, इन्होंने इस तरीके से उन्हें डिवाइड कर दिया. उसके बाद हॉल एंड जोन्स इन 1950 में हॉल एंड जोन्स दो लोगों ने मिलकर फिर से क्या किया, ऑक्यूपेशन को डिवाइड किया, ओके. कब, 1950. हॉल एंड जोन्स, ठीक है, ये क्या किए, 1950 में फिर से ऑक्यूपेशन को डिवाइड किए. नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द नेम ऑफ द नेम ऑफ द पीपल, ठीक है, जनरल ऑफ यूके के हिसाब से ऑक्यूपेशन को क्लासिफाई करिए, 1950 हॉल एंड जोन्स के हिसाब से इसको क्लासिफाई करिए. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है. इनके हिसाब से इन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, ये सबको अलग अलग नहीं किया, ठीक है, इन्होंने एक मोर प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया उनके हिसाब से, प्रोफेशनल एंड हाई एडमिनिस्ट्रेटर्स. पहले कैटेगरी में जो आते हैं वो है प्रोफेशनल एंड हाई एडमिनिस्ट्रेटर. आई होप आपको दिख रहा है, मैं बोर्ड की काफी कॉर्नर में लिख रही हूं, ओके. हाई एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि जो हायर लेवल पे रहते हैं, हाईली प्रोफेशनल है, ठीक है, एक कंपनी को लीड करते हैं, जो आप कह सकते हो कैपिटलिज्म, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके हिसाब से होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज मैनेजरिकल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो उनके नीचे रहते हैं, ठीक है. मैनेजरिकल, मैनेजर हैं एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड सुपरवाइजर ऑफिसर, उनके नीचे जो काम करते हैं, सुपरवाइजर ऑफिसर. सुपरवाइजर ऑफिसर के बाद नीचे कौन है, आपका सेमी सुपरवाइजर ऑफिसर, ओके, और लोअर सुपरवाइजर ऑफिसर, सॉरी, लोअर सुपरवाइजर ऑफिसर. लोअर सुपरवाइजर ऑफिसर. उसके बाद आते हैं स्किल्ड मैनुअल लेबर. नेक्स्ट इज स्किल्ड
manual labor. Next is semi-skilled labor. And the next one is called unskilled labor. Okay, so these are the classifications of labors. Okay, sorry, classifications of occupation. ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखिए 1950 हॉल एंड जॉन्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन सात टाइप का हुआ एंड आपकी 1911 जनरल यूके के हिसाब से क्लासिफिकेशन इज ओनली फाइव टाइप. कभी भी आपको क्लासिफिकेशन या फिर इस तरीके के थ्योरेटिकल पॉइंट को याद रखने की जरूरत है. सबसे पहला ट्रिक है आप याद रखो कि कितने पॉइंट हैं. वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बाकी के पॉइंट्स को रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि इस तरीके की थियोरिटिकल पॉइंट को समझने से ज़्यादा होता है कि आप तो समझ ही लिए बट वो याद रहना चाहिए पॉइंट. ठीक है, क्योंकि पॉइंट याद आएगा तब तो आप उसे एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, सो इसीलिए आपको क्या करना है, पॉइंट को याद रखने के लिए पहले गिन लेना है कि इसके अंडर कितना पॉइंट्स हैं, तो फिर आपको पॉइंट याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है एग्जाम में. नाउ फैक्टर्स विच ब्रिंग्स प्रेस्टीज टू एन ऑक्यूपेशन. हमारे देश में या फिर आप कह सकते हो कि लगभग पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों को प्रेस्टीज मिलता है. तो एग्जैक्टली वो कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों की प्रेस्टीज को डिसाइड करता है कि इसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से इसको कितना इज्जत भाई ये डिजर्व करता है. ठीक है, सो लेट अस गो. Okay, factors which brings prestige to an occupation. Factors of prestige in occupation. मैं थोड़ा सा इसको short बना रही हूँ. Occupation में ऐसे कौन कौन से factor हैं जिसके हिसाब से समाज decide करता है कि actually मैं ये बंदा या बंदी कितना इज्जत deserve करता है. ठीक है, next go to extend and reward. ठीक है, और एक्सटेंड ऑफ रिवार्ड. द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग एक्सटेंड ऑफ रिवार्ड. ये बहुत कॉमन पॉइंट है. एक कंपनी में दो लोग सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं बट फिर भी किसी एक को ज्यादा इज्जत मिलता है, किसी को कम मिलता है. रीजन, रिवार्ड. वो काम को कितना बेहतरीन कर रहे और हमें लगता है कि उन्हें कितना इज्जत मिलना चाहिए, वो कितना अच्छे से लोगों के साथ कोऑपरेशन कर पा रहे, डिपेंड अपन दैट. सेकेंड इज सोशल एक्सेप्टेंस. आप जो काम कर रहे हैं उस काम को समाज में कितना इज्जत मिलता है या फिर समाज ने इसको किस हिसाब से एक्सेप्ट किया है. आजकल हम जानते हैं डांसिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ों को ज़्यादा इज्जत मिलता नहीं है. अगर ज़्यादा इज्जत मिलता तो हम में से यहाँ कई सारे लोग जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर मैं भी, हम लोग कहीं और ही होते. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबकी पैशन कुछ और ही था और हम लोग आज ऑक्यूपेशन कुछ और ही कर रहे हैं. ठीक है, सो द पॉइंट इज सोसाइटी में वो सारी चीज़ें जो हमारी पैशन है, क्योंकि हम लोगों को सब ड्यूट टाइप काम करने में अच्छा लगता है, राइट, लेकिन हम आज कर नहीं पा रहे, दुख की बात है. एनीवे लेट इट बी. ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट सोशल एक्सेप्टेंस, जो हम काम करना चाहते हैं या फिर जो हम कर रहे हैं उसको सोसाइटी में कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है. लेट अस टॉक अबाउट ए टीचर हु इज वर्किंग इन द विलेज. ठीक है, हमारे जैसे टीचर का ऐसे कोई खास इज्जत नहीं है, लेकिन अगर आप गाँव में जाइए वहाँ पर एक टीचर को देखिए, बंदा को आता है नहीं आता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीचर है भाई, बहुत इज्जत है उसका. ठीक है, एनीवे लेट अस गो फॉर द सोशल यूटिलिटी. द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड सोशल यूटिलिटी. ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं उस काम का सोसाइटी में क्या यूज है. अगर आप एक डॉक्टर का काम कर रहे हैं तो आप कई सारे लोगों की जान बचा रहे हैं, सो दैट विल बी प्रेस्टिजियस. अगर आप टीचर हैं तो वो पेरेंट्स गांव में टीचर्स को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, उनके हिसाब से उनके बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है. तो जो आप काम कर रहे हैं उस काम का समाज में क्या यूज है उसके हिसाब से भी आपको इज्जत मिलता है. ठीक है, नाउ नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम कर रहे हैं आप, सबसे बड़ी जरूरी चीज, किस तरीके से कर रहे हैं काम, क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट कि आप गांव में जाइए, टीचर्स को इतना इज्जत क्यों मिलता है भाई, क्योंकि वो
टीचर्स की एक अलग ही इमेज बना जाता है, और मैं कहूँ कि उनके सामने लिमिटेशन रख दिया जाता है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, आपको इतना हंसना है, क्योंकि हमारे बच्चे आपसे प्रेरित होते हैं, आपको सब लोगों के सामने इस तरीके से बात नहीं करना है. सो देर आर सम ऑफ द लिमिटेशन. तो नेचर जो आप एडॉप्ट कर रहे हो उस काम को करने के लिए, उसको भी इज्जत मिलता है. ठीक है, एनी वे इज नॉट क्लास ऑफ पीपल. जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम में आपका क्लास कितना है, कितना हाई इनकम आप करते हैं. ठीक है, अब देखिए, दो लोग बिजनेसमैन हैं, एक मैं जाके बिजनेस करूंगी किसी गरीब की तरह कहीं पड़े हुए, और एक आप मान लीजिए कोई हायर सोसाइटी, टाटा. ठीक है, वो टाटा की कोई रिलेटिव्स वो जाके बिजनेस करेंगे. भाई साहब, आप किसको ज़्यादा इज्जत देंगे? ओब्वियसली उनको, क्योंकि उनके पास क्लास है. हम तो गिजी बिटी बिजनेसमैन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एनीवे, सो दैट इज व्हाट. नेक्स्ट इज एक्सटेंड ऑफ एक्सपोर्टनेस. ठीक है, आप किस पोजीशन में हैं और उस पोजीशन के हिसाब से आप क्या काम कर सकते हैं. ठीक है, दो लोग एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक का सैलरी 1.5 लाख होता है, एक का सैलरी 50,000 भी नहीं होता. ठीक है, तो रीजन इज दैट एक्सपोर्टनेस. अगर आप सेम काम को कर भी रहे हैं तो आपका तरीका क्या है, डू यू यूज एनी क्रिएटिविटी, तो कम से कम उस वर्किंग फील्ड में तो आपका इज्जत बढ़ जाता है. ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ वर्क. कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, ठीक है, अब कंटिन्यूटी ऑफ वर्क को मान लीजिए कि आप कोई काम को लंबे टाइम से कर रहे हैं. ठीक है, और कोई एक इंसान आया है, 5 दिन रुकेगा और वो काम करके चला जाएगा. ओब्वियसली लोग आपको ज़्यादा क्या करेंगे, इज्जत देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप उस हायर पोजीशन पे बने रहे तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हो. जो गेस्ट बन के आए हैं वो चले भी जाएंगे, वो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते. तो हायर जो प्रेस्टीज होती है वो हमेशा कंटिन्यूटी ऑफ वर्क को मिलता है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ जॉब. अब पता चला गवर्नमेंट वर्कर को क्यों, गवर्नमेंट जॉब होल्डर को इतना इज्जत क्यों मिलता है, क्योंकि भाई उनके पास सिक्योरिटी ऑफ जॉब है जो हम लोगों के पास तो नहीं है. ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, आप जो जॉब करें वहां पे आपकी लाइफ टाइम सिक्योरिटी है. गवर्नमेंट जॉब में अगर जाके बैठे भी रहना तब भी आपको कोई नहीं निकालने वाला. ठीक है, सो सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज देयर. नेक्स्ट इज एक्सटेंड ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर्स. एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर्स. जो आप जॉब कर रहे हो उस जॉब में आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, दैट ऑल्सो मैटर. आप जानते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, कल को अगर अपना जॉब क्विट कर देते तो आएंगे अपना खुद का बिजनेस खोलेंगे, कोई आके सीधा अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा. इट डजेंट टेक टाइम. लेकिन एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय अगर बाहर आ जाता है तो वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता. ही और सी नीड द डिपेंडेंस ऑफ पीपल. वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी, क्योंकि शायद हो सकता है लोग उनको इतना इज्जत नहीं दे सकते हैं. ठीक है, सो दैट ऑल्सो डिपेंड कि आप जो जॉब कर रहे हो उस पर आपके लिए इज्जत है या नहीं. उसके बाद नेचर ऑफ सोसाइटी, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं. ठीक है, अब अमेरिका में जो काम आप करेंगे आपको इज्जत मिलेगा, इंडिया में आके वही काम करेंगे आपको थप्पड़ पड़ेगा. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन. दैट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट ब्रिंग्स प्रेस्टीज टू योर जॉब. नाउ ऑक्यूपेशन वाले जो टर्म है उसको हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया. ठीक है,